नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ। दोस्तों, मर्दाना ताकत का ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। दोस्तों, इसमें शिंगरफ भी डाला जाएगा और इसमें संखियाँ भी डाली जाएगी। अब दोस्तों, इस फार्मूले के पहले मैं आपको गुणों के बारे में बताता हूँ कि दोस्तों, इसका सबसे पहला गुण तो ये है कि यह बहुत कम खुराकों में, यानी कि 15 दिन में ही यह फार्मूला अपना पूरा असर दिखा देता। 15 दिन के अंदर ही शरीर के अंदर अनलिमिटेड सेक्स पावर पैदा कर देता है। और दूसरा फायदा दोस्तों इसका यह है कि इसमें खुराक बहुत कम लेनी होती, बहुत कम मात्रा में दवा लेनी होती है। दूसरा फायदा इसका दोस्तों ये है। अब तीसरा फायदा ये है कि दोस्तों, ये पाचन शक्ति को इतना ज़्यादा मजबूत कर देता है कि आप 4-4, 5-5 किलो, 6-6 किलो तक दूध डेली आप पी सकते हैं। डेली आप इतनी मात्रा में दूध पी सकते हैं, आपको कोई भी डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब दोस्तों, सवाल आता है कि जिन भाइयों को पेट की दिक्कत होती है वो इस फार्मूले को ले सकते हैं या नहीं। तो भाइयों, जिन्हें पेट की दिक्कत है वो सबसे पहले अपना पेट ठीक करें, उसके बाद ये दवा खाएं। अब इसके अलावा दोस्तों, बात आती है कि कितनी उम्र में इसे यूज करना है। तो दोस्तों, कम से कम इसे यूज करने के लिए 25 से 28 साल की उम्र होनी ज़रूरी है। कम से कम 25 साल 26 साल उम्र ज़रूर हो, इससे ज़्यादा उम्र हो तो और अच्छी बात है, मगर इससे कम नहीं होनी चाहिए। 25 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों, बात आती है मौसम की। तो दोस्तों, मौसम इसे यूज करने के लिए ठंडा मौसम ही बेहतर रहेगा। जैसे इस टाइम अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इस टाइम इसे यूज नहीं किया जा सकता। अब जैसे आगे थोड़ी मौसम ठंडा हो जाएगा आगे जुलाई अगस्त में, तो उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। अगस्त सितंबर फिर तो दोस्तों ठंड स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला दोस्तों अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब बारिश हो गई है और मौसम अब ठंडा हो गया है, मौसम ठंडा हो रहा है। और कुछ एरिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस टाइम काफ़ी ठंड पड़ रही है, यानी कि अच्छी खासी ठंड हो गई है पहाड़ी एरियों में या पहाड़ के आसपास के एरियों में, अब अच्छी खासी ठंड हो जाएगी। तो वहाँ पे इस फार्मूले को अभी भी यूज, हाल फिलहाल में बंदा यूज कर सकता है। और बाकी जिन भाइयों को ये फार्मूला मंगवाना होगा, जिन्हें ये फार्मूला बनवाना होगा, तो वो अपना पेमेंट कर देंगे, उनके लिए फार्मूला 1-1.5 महीने तक रेडी कर देंगे। तो अब दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ले लेनी है शिंगरफ की एक डली ले लेनी है, लगभग 25 ग्राम की ले लें, 20-25 ग्राम की आप शिंगरफ की डली ले लें। अब उस डली को दोला यंत्र करना है, यानी कि किसी मिट्टी की हांडी में दूध भर लें, 4-5 किलो दूध हो, और उस दूध के अंदर इस शिंगरफ को किसी पोटली में बांध के, किसी सूती कपड़े में बांध के और लटका देना है। पोटली लटका देनी है दूध में, और ध्यान ये रखना है कि वो नीचे तली में ना लगे और साइडों में भी वो डली ना लगे। अब दोस्तों, धीमी आंच पे आपको पकाना है, धीमी धीमी आग पे। अब जब ये दूध आधा रह जाए, तो इस डली को आपको निकाल लेना है। अब दोस्तों, डली को आप धो के अलग रख लें, और जो आपका ये घी है, वो सॉरी दूध है, उसका दोस्तों दही जमा लेनी है और उसमें से मक्खन निकाल लेना है। अब दोस्तों, वो मक्खन गर्म करके आपका घी तैयार हो जाएगा, देसी घी बना के आप रख लें। इस घी को दोस्तों खाया भी जा सकता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, 1-1 ग्राम की मात्रा में आप सुबह शाम इस घी को खा भी सकते हो। और इसके बाद दोस्तों, इसका इस घी की मालिश भी आप कर सकते हो, पेनिस पे इस घी की मालिश भी कर सकते हो। ये बहुत जानदार चीज़ बनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको 25 ग्राम ही संखियां ले लेनी है, 25 ग्राम संखियां। अब दोस्तों,
दोस्तों 25 ग्राम सफ़ेद संखियाँ को आपको इसी तरीके से 5 किलो दूध में धौला यंत्र कर लेना है। अब इसे आप जैसे ही आप इसे धौला यंत्र कर लेंगे, दूध आधा जब बचेगा तो इसका भी दोस्तों घी बना लेना है। ये घी भी आप खाने में भी यूज कर सकते हो, मालिश में भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों संखियाँ और शिंगरफ दोनों की आपको किसी मजबूत खरल में डाल के घुटाई करनी है। ये घुटाई आपको दोस्तों करनी है 40 घंटे दोनों चीज़ों की घुटाई करनी है। और ध्यान दोस्तों इसमें ये रखना है कि जब भी आप घुटाई करने बैठे तो कम से कम आधा घंटा एक घंटा घुटाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 मिनट घोटी और उसके बाद हट गए, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जब भी घुटाई करने बैठे हैं तो कम से कम आधा घंटा या एक घंटा घुटाई करने के बाद आप हटें। अब जिन भाइयों के पास इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जिन वैद्य भाइयों के पास इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, तो वो इसकी घुटाई कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में करते हैं तो 80 घंटे रगड़ाई करें। अगर हाथ से करते हैं तो 40 घंटे भी चलेगा। अब दोस्तों इसकी घुटाई पूरी हो गई 40 घंटे। अब आपको अकरकरा ईरानी 25 ग्राम, सफ़ेद मूसली 25 ग्राम, कैंचुआ 25 ग्राम, सालम पंजा 25 ग्राम और जिंद बेदस्तर 25 ग्राम, रेगमाही 25 ग्राम। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ले लें, सुखा के इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, कपड़ छान कर लें। अब दोस्तों कपड़ छान करने के बाद इसे संखियां और शिंगरफ के साथ मिक्स कर दें। दोस्तों दालचीनी भी आपको इसमें 25 ग्राम डालनी है, मैं बताना ही भूल गया, 25 ग्राम दालचीनी। तो सारी चीज़ें बारीक पाउडर बना के इसमें मिक्स कर लें और घुटाई कर लें। अब दोस्तों इसमें आप देसी मुर्गी के अंडे ले लें, देसी मुर्गी के अंडे। तो अब उन देसी मुर्गी के अंडों में इसकी करनी है आपको घुटाई। अब अंडों में कैसे करनी दोस्तों, अंडा तोड़ना है, अंडे का पीला हिस्सा निकाल के इसमें डाल लेना है और इसकी करनी घुटाई। तो इसी तरीके से दोस्तों 10 देसी मुर्गी के अंडों की जर्दियाँ, देसी मुर्गी के अंडों की 10 अंडों की जर्दियाँ यानी कि पीला हिस्सा इसमें खरल करना, घुटाई करते रहना है। दोस्तों इसे यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दें, जो ये 10 अंडों में घुटाई होनी है इसमें आप खास करके ये ध्यान रखें कि जब ये सारा बिल्कुल बढ़िया टाइट मिक्सचर हो जाए, ये मिक्सचर बिल्कुल टाइट हो जाए तो उसके बाद ही आपको हटना है। ऐसा नहीं कि अंडे की जर्दी उसमें डाल दी और आप थोड़ी घुटाई की और हट गए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें से बदबू आने लग जाएगी, आपकी दवा ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल सूख जाना चाहिए अच्छे से जर्दी को। तो इसी तरीके से जब 10 अंडों का पीला हिस्सा आप इसमें जज्ब कर देंगे तो उसके बाद एक काली मिर्च के बराबर, काली मिर्च के बराबर आप गोलियां बना लें। गोलियां बनाने के बाद एक एक गोली सुबह शाम 1 किलो दूध के साथ लेनी है, या कम से कम आधा किलो दूध होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके साथ दूध, घी, दही, लस्सी, ताज़े फल, हरी सब्जियां, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये गोली इतनी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है कि शीघ्रपात नमर्दी को कुछ ही दिनों में यानी कि 15 दिनों के अंदर ही ये जड़ से ख़त्म कर देगी। दोस्तों इस गोली को आप बनाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। जो भाई नहीं बना सकते वो हमारे द्वारा भी इसे मंगवा सकते हैं। और बाकी दोस्तों एक चीज़ और कि आपको जो भी जानकारी लेनी है आप खाली व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके ही जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमें बार बार फ़ोन करेंगे तो हम आपको फ़ोन पे भी ब्लॉक कर देंगे और व्हाट्सएप पे भी, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हमारे से कॉन्टैक्ट करने का। तो इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखें, फ़ोन हमें बिल्कुल ना करें, जो भी जानकारी लेनी है व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके ही जानकारी लें। धन्यवाद।